हाय फ्रेंड, देख सकते हैं ये महिंद्रा सुप्रो गाड़ी है और इसमें प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अभी हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं गाड़ी के पास अंदर से। और देख सकते हैं फ्रेंड, इस गाड़ी में हो रहा था क्या कि जैसे कि इसका इग्निशन ऑन किए और जब सेल्फ मार रहे थे तो इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा था फ्रेंड, और मिसिंग टाइप का मिस होता है ना, जैसे कि आपको लगता है कि सेल्फ नहीं घुमा पा रहा है या कार्बन उसका जल गया होगा। तो अभी इसका सेल्फ हमने खोला, देख सकते हैं इस जगह पर सेल्फ रहता सुप्रो का। ये टर्बो है, सुप्रो गाड़ी में ये टर्बो है। इसका सेल्फ निकालने में बड़ी परेशानी होता है निकालने के लिए, देख सकते हैं ये पाइप उम खोलना पड़ता है, ये पाइप खोलना पड़ता है, फिर ये पाइप खोलना पड़ता है टर्बो का, ये क्लैंप व्लैम्प सब खोलना पड़ता है। और अभी हम आपको सेल्फ इसका दिखाएंगे कि किस तरीक़े से इसका कार्बन जल चुका है। और पहले आप ये देख सकते हैं कि सेल्फ की जगह पर सुप्रो में टर्बो इंजन में दिया हुआ इस एरिया में, जो आपका यहाँ पर हाई प्रेशर यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये हाई प्रेशर के बगल में ही सेल्फ रहता है। और देख रहे हैं इसका टर्बो, ये पूरा पाइप खोलना पड़ गया, खोलने के बाद बहुत मुश्किल से इसका सेल्फ निकाला गया है। बिना इंजन मिस्त्री का सेल्फ मिस्त्री नहीं निकाल सकता, मगर हम दोनों काम करते हैं फ्रेंड, इंजन का भी और वायरिंग का भी काम करते हैं। तो इसका अभी सेल्फ खोले हैं, आपको दिखा रहे हैं कि सेल्फ इसका अभी हम खोले हैं, दिखा रहे हैं आपको। देखिए फ्रेंड, इस जगह से हमने सेल्फ खोला, ये बहुत सकेत जगह है, यहाँ से निकालने में बड़ी मुश्किल होता है सेल्फ को, मगर अब इसका सेल्फ का काम करना तो सेल्फ निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सेल्फ में तो दिक्कत है तो उसको काम करना पड़ेगा ना। तो इसका अभी हम खोले हैं, आपको सेल्फ हम दिखाते हैं किस तरीके से इसका कार्बन जल चुका है। और ये सुप्रो गाड़ी है, देख सकते हैं फ्रेंड, ये सुप्रो गाड़ी है। और अभी हम आपको सेल्फ को दिखाते हैं कि किस तरीके से सेल्फ का कार्बन जल चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड किस तरीके से इसका आर्मेचर, जब भी हम सेल्फ खोले हैं और किस तरीके से इसका कार्बन जला चुका है, देख सकते हैं पूरा बारीकी से इसका आर्मेचर पे भी दाग उठाया है। और ये मैक्सिमो सुप्रो में ये सेल्फ लगा हुआ था, और ये कार्बन भी कोई ख़ास नहीं है, मगर किसी के पास ये गाड़ी खुला था, सेल्फ का काम हुआ था 6 महीना पहले। और इसका देख सकते हैं किस तरीक़े से इसका कार्बन पूरा जल चुका है। तभी इसमें हम आपको दिखाएंगे और भी क्या क्या दिक्कत है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका सेल्फ अभी हमने खोला है, और ये सेल्फ है, ये सेल्फ है आपका इसका सुप्रो गाड़ी का, और ये आपका आर्मेचर हो गया सुप्रो का। देख सकते हैं फ्रेंड, सुप्रो का ये आर्मेचर है, इसमें आपका दाता सिस्टम दिया है, तो इसमें आपको दाता गिनना पड़ेगा किस कितना दाता का। अगर ये आर्मेचर ख़राब हो जाता है या जल जाता है तो आर्मेचर आपको दाता गिनकर, ये जो दाता आपको नज़र आ रहा है ये दाता गिनिएगा, गिन कर मिलाना पड़ेगा कि कितना दाता का ये पिनियम है, और वही आपको आर्मेचर इसमें लगेगा। तो इसमें दाता 9 या 11 होगा, अभी हम गिन के देखते हैं कितना है इसमें। और फ्रेंड देख सकते हैं इसमें टोटल दाता आपको मैक्सिमम 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 दाता टोटल फ्रेंड इसमें। और मैं इसको दोनों हाथ से नहीं गिन पाऊँगा, इसलिए कि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से हम आप वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना के आपको गिन के दिखा रहे हैं कि टोटल इसमें 11 दाता आप देख सकते हैं बारीकी से। ये एक नंबर हो गया, ये वाला 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये 11 दाता का पिनियम है। और ये सुप्रो का ये सेल्फ में आपका लगेगा, ये सेल्फ है आपका, बॉस का सेल्फ है, ये बॉस का सेल्फ है, इसका स्टिकर फट चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड, इस पर कचड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये पेट्रोल से साफ़ होगा, धुलाएगा ये पेट्रोल से, उसके बाद इसको सर्विसिंग करके और इसमें नया आर्मेचर डाला जाएगा और नया कार्बन डाला जाएगा, इसलिए कि आर्मेचर पे भी ये कार्बन का दाग उठा दिया है, ये आप देख सकते हैं दाग, ये कार्बन का दाग उठाया है, इसलिए कि स्प्रिंग इस पर
काम कर रहा था, रगड़ मार रहा था स्प्रिंग इस पर, तो स्प्रिंग के चलते इसका चेंज करना पड़ेगा। और देख सकते हैं फ्रेंड, एक मिनट आपको हम ये कवर खोल के दिखाते हैं, और देख सकते हैं फ्रेंड ये आपका ये पिनियम है, इसमें तीन पिनियम लगा हुआ रहता है, और ये इसका कवर है पिनियम का। आप हम लोग बहुत कुछ इधर बोलते हैं, आप लोग के तरफ क्या लैंग्वेज है ये आप लोग का तो हम लोग को लैंग्वेज नहीं पता। देख सकते हैं इसमें पिनियम है, और इसके अंदर में एक छोटा सा किसी किसी में छर्रा होता है, ये बीच वाला पोजीशन में, ये बीच जो सेंटर है ना, इसमें आपका एक छोटा सा बारीकी छर्रा होता है, किसी में छर्रा नहीं होता है, तभी इसका हम आर्मेचर और कार्बन दोनों डालेंगे इसमें। और इसमें अभी इसमें का मैं कार्बन डालेंगे इसमें, इसलिए कि इसमें पहले दूसरा मॉडल का कार्बन था, अभी ये कार्बन डालेंगे, ये चरकुट में है, और ये जो पुराना वाला कार्बन है ये गोल है, देख सकते हैं। तो इसमें दोनों कार्बन आ जाएगा, जियो मॉडल में भी और मैक्सिमम मॉडल में भी दोनों मॉडल का इसमें कार्बन आ जाएगा फ्रेंड, तभी ये वाला कार्बन हम डालेंगे इसमें। और डालने के बाद फिटिंग के टाइम, जब फिट इसको करेंगे टाइट करने के टाइम, आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरीका से फिट होता है फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड ये आपका कार्बन है और ये आर्मेचर है, तो देखिए इस तरीका से इसमें कार्बन बैठाया जाता है, ये कार्बन इसमें बैठ चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें ओरिजिनल का ये आपका कार्बन है बॉस का, और देख सकते हैं ये बॉस का ओरिजिनल का जब कार्बन होगा तो इसमें आपको नंबर होगा, सीरियल नंबर, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये ओरिजिनल कार्बन अभी है बॉस कंपनी का, और इसमें अभी ओरिजिनल कार्बन डालेंगे, देख सकते हैं पार्ट नंबर है, ये डेट जब बना उस टाइम का ये नंबर है 7/2/2022 का। और अभी आपको इसको फिट करके दिखाएंगे फ्रेंड कि किस तरीका से ये फिटिंग होता है। देखिए ये कार्बन इस तरीका से बैठ गया है, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं ये इस तरीका से इसमें लगेगा, ये ऊपर का आपका प्लेट हो गया जिस पर लॉक बैठता है, फिर इसको हम बैठा दिए वाशर को, और वाशर बैठाने के बाद ये लॉक है, ये लॉक इस जगह पर आपका बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिबिया है पीछे से जो लॉक को पैक करके रखता है, ये लॉक का पैक हो गया यहाँ से, और इसमें आपका दो स्क्रू लगेगा जो कार्बन और कवर को पकड़ के रहेगा, कार्बन को इधर उधर घूमने नहीं देगा फ्रेंड। और देख सकते फ्रेंड ये कार्बन इसमें फिट हो गया है, और ये कार्बन इसमें फिट हो गया आर्मेचर में, और देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट कॉइल का जो हो गया आपका, जिसमें आपका आर्मेचर और कार्बन बैठेगा, तो आप देख सकते हैं किस तरीका से ये बैठाया जाएगा, बैठ गया अंदर में, आर्मेचर आपका है, यहाँ पे कार्बन आपका लग गया, ये कार्बन का कोड है। उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीका से आपको सेंटर मिलाकर इसमें आपको बैठाना है, देख सकते हैं फ्रेंड दो बोल्ट है, एक बोल्ट इस साइड में और एक बोल्ट इस साइड में, ये दोनों फिक्स इसी तरीका से होगा, और ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद ये आपका जो कार्बन का है ये आपको इस जगह पर सोनाई स्विच के बगल में, सोनाई स्विच में ही दूसरे बोल्ट पर ये टाइट होगा, और टाइट होने के बाद फिर ये कम्प्लीट हो जाएगा सेल्फ। और इसको आप चेक कर सकते हैं अर्थ ये बॉडी से इसमें देकर, इसमें बॉडी में अर्थ दीजिएगा, और देने के बाद एक तार आपको लेकर डायरेक्ट आप ये कार्बन का जो ये बोल्ट है इसमें सटाकर भी आप चेक कर सकते हैं, इसको बॉडी में सटाकर, और इसमें आप मेन लाइन सटाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको रनिंग सिर्फ लेगा, पिस्टन बाहर नहीं फेंकेगा, और ये दोनों बोल्ट में 12-13 नंबर और 8 नंबर में जब आप सटाइएगा तार को, तो आपका दोनों पिस्टन भी बाहर आएगा और रनिंग भी करेगा, ये घूमेगा भी, तभी आप बने रहिए वीडियो में। और देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीका से रनिंग करता है, और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। हम अकेला अपना ही वीडियो बनाते हैं, किसी के साथ में नहीं, इसलिए हमारे को थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड
ये अभी हम इस सेल को कस रहे हैं, ये कार्बन लग गया और आर्मेचर भी लग गया है। और देख सकते हैं फ्रेंड ये कंप्लीट हो गया है। अभी इस बैटरी पे हम इसको लगाकर चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बस वीडियो में आप बने रहिए और देख सीए किस तरीका से काम करता है पिनियम और सेल्फ किस तरीका से काम किया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड अगर ये अर्थिंग हो गया और ये मेन हो गया, तो अर्थिंग हम यहाँ से इसको यहाँ दे देते हैं इस तरीका से। और ये वायर मेन है, जब इसमें हम इसको ठिकाएंगे तो ये आपका सेल्फ रनिंग करेगा। और जब मैं इसमें एक इस तरीका से रिंच लेके जब इसमें और इसमें ठिकाएंगे तो ये पिस्टन जो है बाहर आएगा और रनिंग करेगा। इस तरीका से सेल्फ चेक होता है फ्रेंड। और हमारे वीडियो पे बने रहिए इसी तरीका से।